यहाँ पे करंट मारने वाली घास है, बिच्छू घास, बिच्छू घास जो मेरे को पीठ पे लग गई है। यार दो तीन जगह लगी है क्या, पता तो चलता है तो जब लगता है तब आता है। पर ये नीचे दिखी ऊपर सब जगह हो रही हो, कोई रहता नहीं है तो जंगल हो रहा है। बस हम लोग अब पहुंच ही गए हैं मंदिर, ये ऊपर सीढ़ी चढ़नी है और ऊपर मंदिर है, ये टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां हैं पहाड़ों वाली, और ये मम्मी टपर 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 ऊपर चढ़ गई है जल्दी जल्दी। जामीर अभी तोड़ेंगे रास्ते में, चलो। कैसा लगता है ये? बहुत खट्टा होता है। ये है मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? पुस्तैनी मंदिर है ये। पापा के नाम भाभी फीलिंग जेलस जानती को। दस दस रुपए इनको, दस दस रुपए देते हैं ये वही पर उड़ने की वजह से। तो उसको उतार के धूप में बैठ जा, अब नहीं करेंगे पक्का। आप इस बात को पक्का नहीं करेंगे। विन्नी चिढ़ा दो, ये हम लोगों का पुस्तैनी कह सकते हैं, जाग मंदिर बोलते हैं है, और क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे हैं जिसकी वजह से हमारे पुजारी जी हुए हैं वो मंदिर बंद करके चले गए हैं, तो हम लोग बाहर से ही जितना हो सक रहा है कर रहे हैं पूजा। अब पाखी मंदिर की परिक्रमा कर रही है, शादी के बाद ही तो आते हैं, चढ़ाओ यहाँ रखो अंदर, वो भी चढ़ा दो पैसा भी। घंटी ही घंटी भी आदो पड़े, ये देखिए ताजे ताजे माल्टा लगे हुए हैं, माल्टा के पेड़, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने से, एकदम सुंदर प्राकृतिक नजारा है। ये हमारा ये हमारा घर है पंकुरी, ये हमारा घर है। ये जानवरों का है, ये एक मंजिला है ग्राउंड वाला, अंदर जानवरों का ये स्टोर है, ये ऊपर ये हमारा घर है, और यहाँ चाचा रहते थे अभी, जो कि वो भी अभी हल्द्वानी शिफ्ट कर गए 4-5 साल पहले, जिसकी वजह से अभी घर खाली पड़ा हुआ है। आप बताइए कैसे लग रहा है आपको अपने? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से नन्नू नीचे गिराते हैं, यहाँ से घुमा था ना, हाँ अच्छी आएगी। हाँ तो सही हो जाता, सही कह रहे हैं, नन्नू सही कह रहे हैं, यहाँ पर तक तो आई रही हूँ, यहाँ थोड़ा ही ठहरा, लेकिन ये भी है कि अब आ रही है वो बन जाए सक्सेस हो।
चिकन अब हम लोग वापस को जा रहे हैं घर रिटर्निंग। ये देखिए जो ये सामने आपको दिख रहा है ये महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक निवास है। कल कल ये है अभी जब हम धोनी यहां आएगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आप बने रहें। जी जरूर। और इधर हमारा घर है। मम्मी को देखो कितनी ताकत है। नहीं एक मिनट जो हमारे बूढ़े ससुर जी है ना MS धोनी हमारे जजमान है आपको नहीं है लेकिन तो पापा हमारे बूढ़े ससुर जी जो थे यहाँ आया करते थे पूजा पाठ वही करते थे। MS धोनी क्या वाओ आधे घंटे से तो चल ही रहे होंगे। आधे घंटे से ज्यादा ना 45 मिनट 50 मिनट करीब। एक घंटा और क्या एक घंटा हम लोग को जाने में लगा है। एक घंटा से ज्यादा जाने में लगा है। एक घंटे से ज्यादा लगा है क्योंकि चढ़ाई थी ना और आने में एक घंटा। अरे बाप रे फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं और भैया हम गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं और मम्मी और भाभी भी उतरी रहे हैं। आप कितने सालों बाद आए हैं घर अपने दादा के यहाँ? 15 साल हो गए होंगे। ओह अब हम घर को जा रहे हैं और उससे पहले हम रास्ते में खाना खाएंगे क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। अब मंदिर में पूजा भी हो गई है। अब हम सबसे पहले हमारे यही है कि हम क्या खाएं। अब हम निकल चुके हैं वापस अपनी मंजिल की ओर मतलब हल्द्वानी को। सामने देखिए सीढ़ीनुमा खेत दिख रहे हैं। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप आएंगे तो आपको इस तरह के खेत दिखेंगे। शहर फाटक में अभी हम लोग रुके खाना खाने के लिए और यहाँ का टेम्परेचर अभी है -1°C। वाव ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों में सबके घर लाइट्स जल रही है सबके घरों में और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हम लोग को मिले पॉक्यूपाइन के कांटे जिसको शाही भी बोलते हैं और इसको पहाड़ी में क्या बोलते हैं शॉल और इसको पहाड़ी में बोलते हैं शॉल।